हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. जस्ट मेक मी श्योर दैट आई एम ऑडिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद द क्लास. एंड टुडे वी विल बी टेकिंग अप अ क्लास दैट इज बेसिकली फॉर क्वेश्चन आंसर्स सेशन दैट वुड बी देयर. जस्ट टू कम, इसमें करना तो हमने क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 11 टू 16 आज करेंगे, बाकी पाँच पेपर आज करेंगे. इसके बाद अदर रिमेनिंग क्लासेस रिमेनिंग सेशन लेंगे. सो व्हाट वी हैव थॉट इज वी विल बी टेकिंग अप टू सेशंस पर डे, वन आवर के सेशन होंगे. वो थोड़ा सा अरे क्या बात है, किसके याद में गाने वाने सुन के आता है. In that regard, we would basically be taking up two sessions per day. One hour के होंगे तो 8-9 जैसे भी 10 paper question के paper आएंगे. The one thing that is there is there are certain students who are under a good amount of pressure. Certain students कुछ ऐसे हैं, उनको लगता है यार ये UPSC का last attempt है या first attempt है, घर वाले इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे. हाँ, PDF तो इसके साथ ही अपलोड लिंक में मिलेगा आपको. आई टोटली एग्री विद ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर, बट नथिंग इन लाइफ इज वर्थ वाइल अंटिल यू टेक अ रिस्क. यू शुड बी इन लाइफ व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स, यू शुड बेसिकली बी नेवर बी थिंकिंग ऑफ सेटलिंग एनीथिंग लेस that you are capable of. आप जब IAS के बारे में सोच के आपने तैयारी शुरू करी थी तो ये सोच के तैयारी शुरू करी थी कि मैं मेरा हो जाएगा. ऐसा नहीं सोचा था कि यार मेरा कौन सा होगा, चलो तैयारी कर लेते हैं. ऐसा तो हुआ नहीं होगा, श्योर है ना इतना तो. बट दीज थिंग्स आर देयर. तो अब जब आपको बेस्ट टाइम आया है कि एक डेढ़ साल से या एक साल से आप पढ़ रहे हो, नाउ इज द टाइम दैट यू शुड बी गिविंग योर 100%. तो आपके माइंड में ये डाउट क्यों आने लग जाते हैं, यार मैं इस साल मेरा होगा या इस साल मेरा नहीं होगा. कंप्लेनिंग अबाउट सर्टन थिंग्स कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को ये इंसान वो इंसान डिस्टर्ब करते रहे हैं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई थी. Do you think those things they have any value in front of UPSC? In the context के UPSC वाले वो बात आपकी सुनेंगे, हाँ यार चलो ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम होगी थी इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ कम कर देते हैं. नो, लेट योर एक्शन डिसाइड योर रिजल्ट. लेट योर एक्शन डिसाइड द रिजल्ट दैट यू वांट. इट इज योर एक्शन दैट शुड बी डिसाइडिंग एंड डिक्टेटिंग वॉट शुड बी योर रिजल्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अब मैं इतना पढ़ चुका हूं, इतना पेंडिंग है, मेरे से रिवाइज नहीं हुआ. किसी ने नहीं बोला था यूपीएससी की रिवीजन सिर्फ एक दिन में हो सकती है. हाँ, अगर 50 बार पढ़ चुके हो तो सिर्फ किताबें उठा के रखना है तो ठीक है, हो सकती है. किसी ने नहीं बोला था कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. डू नॉट फेल टू थिंक that your mind have a capacity, the capacity that is comparatively endless capacity that you have. And for maintaining that capacity, the one thing that you should be having is consistency that has to be there. दिन ही कितने बचे हैं यार, 13-14 दिन तो बचे हैं, जितने भी आज कोई 15-17 तारीख है. तो 15-17 जो भी 17th है, 12-13 दिन ये पड़े हैं, 13 दिन ये हैं और 3 दिन 16-15 दिन लगा लो, 15 दिन पड़े हैं. 15 days are still there for the exam. Different people they have a different attitude towards the exam. कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ 15 दिन बचे हैं और कुछ लोग बोलते हैं अभी तो 15 दिन बचे हुए हैं, यार आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. The time you start limiting your mind कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, friends there will always be a problem. And do not panic for the exam. I'm taking antidepressant. I got very less amount of time for study. Should I go for the exam? Please just be. एक जैस्मिन एक सिंपल सी बात है. एक सिंपल सी बात है.
एंटी प्रेशर की कंटेक्स्ट में एंटी डिप्रेशन मेडिसिंस ले रही हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सोच रहे हैं, क्या आपका वो मेडिसिन लेना आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ला रहा है? क्या आपको मेडिसिन लेना आपको ज़्यादा पढ़ने को मोटिवेट कर रहा है जब आपसे कम पढ़ाई हो रही है? एक तो पहले ही अंडर प्रेशर, ऑन अपॉन दैट यू आर टेकिंग अ मेडिसिन, और फिर ये प्रेशर भी है कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, दैट शुड नॉट बी देयर एट ऑल। यार एग्जाम होना जा एग्जाम होना आपके हाथ में नहीं है, योर ओनली वे दैट यू शुड बी देयर इज इट शुड बी योर एक्शंस दैट यू शुड बी डिक्टेटिंग। अभी आप मेडिसिन ले रहे हो, कल को भी और प्रॉब्लम होगी तो फिर और बड़ी मेडिसिन, फिर और, ये तो चलता रहेगा ना, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप एग्जाम को अपनी जिंदगी से बड़ा मानने लग जाते हैं, यार मेरी से भी बड़ा एग्जाम है, द प्रेशर स्टार्ट्स कमिंग ऑन यू। आपके कभी घर वालों से पूछ के देखना कि आप ज्यादा जरूरी हो या आपका बीमार होना ज्यादा जरूरी है। Your life has comparatively much more value than any exam that is there on the earth. अगर by chance आप अभी exam ले रहे हैं, maybe the first attempt या just been आपका जो भी attempt हो रहा है, तो कल जब by chance अगर दूसरा attempt हुआ है, next attempt आप दे रहे हो, तो क्या आपको sure है कि 100% तैयारी हो जाएगी? क्या आपको sure है कि जो अभी problems है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए हो वो next year आपके साथ नहीं होगी? There may be a problem that can be even more. Do not fail to think that अभी भी जितना भी 15 दिन अभी पढ़े हैं, आप आराम से जितना पढ़ा जाता उतना पढ़ने की कोशिश करो। Do not complain about the things. Medicine लेने से it is a negative effect that you are passing through. There are many people who are under a huge amount of pressure. यार आपकी लाइफ सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। योर लाइफ इज कंपैरेटिवली वेरी मच वर्थ। अगर आपकी फैमिली ने क्लियर कर दिया था दैट एग्जाम इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आप बोलो ठीक है, मेरे लिए आपकी लाइफ, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है और लाइफ के साथ ही एग्जाम है। इट्स नॉट, फॉर एग्जाम्पल एक सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती 2014 में और मेरी पोस्टिंग हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मिजोरम में, क्या करता मैं? और एक रियलिटी आपको एक बात बताता हूं, जो टॉर होती है, जो ऑरा होता है, वो सिर्फ अपने वहां के लोगों के बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई एम गेटिंग पोस्टेड इन यूपी क्लोज टू पंजाब, वहां पे कोई नहीं जानता, किसको बताऊंगा कि मैं आईएएस हूं, चलो जी मेरे पास। इफ आई एम पोस्टेड इन पंजाब इन हरियाणा, सेम इज द केस विद ऑल अदर स्टेट्स, किसको दिखाओगे यार कि मेरे पास हाँ पावर है? ठीक है, तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट अगर एग्जाम इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ इस टाइम के ऊपर आपकी लाइफ में एग्जाम कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद अल्टरनेटिव्स खत्म हो जाते हैं। देयर आर मच बिगर थिंग्स दैट आर स्टिल देयर टू बी अचीव्ड। लॉ फॉर पब्लिक, देखो आपको अगर रिविजन करना है तो हो जाएगा 15-20 दिन में, लेकिन अगर बिल्कुल ही अनटच्ड है 1-1.5 साल में, तो थोड़ा सा फिर वो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात है यार, अगर बाई चांस वट कैन बी द वर्स्ट सिनेरियो दैट कैन बी देयर कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा? यार फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू ट्वाइस, तो फिर तो ऐसे डूब के मर जाना चाहिए था, यार मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, मैंने मेहनत करी थी, अब क्या करें? That's only revision, Deepak, that is thing that can be there. So it is very, very important in that regard कि यार आपने क्या करना है। The life does not end with UPSC. And सबसे बड़ी बात क्या है? It is you who is more important. It is your life that is very much important. अगर अपनी लाइफ की अहमियत, for example, you are sleeping for 4 hours. 4 times. हाँ हो सकता है दोबारा अप्लाई करना पड़े, दैट विल डिपेंड, इंटरव्यू दो बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। इसको लेके चलोगे दोस्तों, आपकी लाइफ कंपैरेटिवली सिंपल है। यूपीएससी कंपैरेटिवली इज जस्ट एक पड़ा है आपकी जिंदगी में, इससे बड़ी बड़ी बातें और बहुत ज्यादा अचीव करने को पड़ी हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे
स्टूडेंट कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं पढ़ी नहीं हूँ एंटी डिप्रेशन पिल्स. नहीं है, क्यों लेना है एंटी डिप्रेशन पिल्स? दे कैन बी अल्टीमेट मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी देयर. हाँ वो आई कैन अंडरस्टैंड के, लेकिन यहाँ से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा. सो ट्राई टू बी इन अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन. और जब सुबह उठोगे ना, हैव अ पॉजिटिव एनर्जी कि यह ठीक है, मैं पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ूंगा. और सुबह उठ के ये टेंशन मत ले लिया करो, हाय यार मेरे तो एग्जाम आ चुका है, अब क्या होगा. इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड दैट अ प्रॉपर प्लानिंग हैज टू बी देयर. अ पॉजिटिव एनर्जी दैट इज देयर इन द मंथ इन द मॉर्निंग दैट शुड ऑल्सो बी टेकन. बिना पॉजिटिव एनर्जी के थिंग्स विल बी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट. इट इज यू हू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. यूपीएससी इज वन एस्पेक्ट. किसी के पास फॉर एग्जाम्पल अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी चीज के, अरे पढ़ने लिखने में ठीक हो तो हमारे पास आ रहे हो, साथ मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है ना. यू अरे जो यूपीएससी की तैयारी करा वो कुछ भी पढ़ा सकता है ना. यूपीएससी फील्ड ये अच्छा फील्ड है यार, ये कोचिंग वोचिंग वाला भी, अगर आना चाहो तो आ सकते हो. साथ में आना तो साथ में आ जाओ मेरे, पढ़ाएंगे मिलके. आज अगर आता हुआ तुम्हें तो कैरियर इज वेरी सेफ. जब यूपीएससी की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हो, योर कैरियर इज वेरी सेफ. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि जैसे जब अन्ना हजारे ने फास्ट रखा था, उसकी पूरी की पूरी कोर टीम थी, जैसे फॉर एग्जांपल केजरीवाल हो गए या फॉर एग्जांपल किरण बेदी, सबकी बढ़िया प्लेसमेंट हो गई. एक सीएम बन गए, गवर्नर बन गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यार यूपीएससी ऐसा फील्ड है, अगर आप ईमानदारी से करो आपकी कहीं ना कहीं बढ़िया सी प्लेसमेंट हो जाएगी. जैसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, एग्जाम उसके बाद आता है. तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, नई सेटिंग वेटिंग हो रही किसी की, लास्ट अटेम्प्ट है, बाई चांस नहीं हुआ और पढ़ने वाले हो, सही में ईमानदारी में पढ़ने वाले हो और आपको आता आपका होल्ड भी है, तो हमारे पास आ जाना, आई विल टेक केयर ऑफ यू. ठीक है, लेकिन पहले आना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो टेंशन मत लो यार, अगर ईमानदारी यूपीएससी आपका ध्यान रखती है. चलो सो टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द थिंग्स. पर ठीक है फिर आदित्य, फिर क्या टेंशन है आपको, मस्त रहे जिंदगी में. दोनों दे लो ना, पीसीएस भी दे लो, यूपीएससी भी दे लो. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. अभी एक रिसेंटली गाना भी आया है पंजाबी का, तो उसमें भी ये वर्डिंग है. चलो सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अप्रोक्सीमेटली 5-6 हाँ जी गुड इवनिंग इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे, 11-16 डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा शाम को काम है इसलिए जाना पड़ रहा है. एंड जो कल मॉर्निंग में आई विल बी टेकिंग अप अ क्लास, रिमेनिंग होगा वो हम उसमें खत्म कर लेंगे. क्या हो गया भाई, लॉ फॉर पब्लिक? मैं तो सही सोच रहा हूँ भाई, लॉ फॉर पब्लिक. अरे मैं तो बड़ा सीरियसली बहुत बार बोलता हूँ कि मैं तो बाबा बनना चाहता हूँ. हाँ दीपक वो जी खत्म हो जाए फिर उसके बाद करते हैं वो, करेंगे. ठीक है, कोशिश करो कि अगर तैयारी सही हो रही है आपकी तो अटेम्प्ट दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे सबको एक जितना ही आता होता है, किसी का तुक्का चल जाता है किसी का नहीं चलता, बस यही फर्क है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट नंबर 11 ऑफ विजन, विजन वाले करेंगे. एंड फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखो, ये इस एक टेस्ट सीरीज में, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे आई वाज टेकिंग अप अ क्लास. हाँ ठीक है आदित्य, यस यस यस, एक सिंपल सी बात है. आई वाज डिस्कसिंग इन द क्लास दैट आई वाज टेकिंग अप. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 30 टेस्ट है इनटू 100 क्वेश्चंस, तो इनके 3000 क्वेश्चन ये हो गए. 50 टेस्ट है इनटू 100 क्वेश्चंस, इनके 5000 क्वेश्चंस हो गए. किसी की और 20-25 कर लिए इनटू 100 क्वेश्चंस, इनके 2000 हो गए. एनी स्टूडेंट हु हैज गिवन दिस यूपीएससी एग्जाम, से यूपीएससी ग्री के एग्जाम दे चुका है, उसको एक बात तो बहुत श्योर है कि जब लास्ट ईयर मैं इनके 30, इनके 50 और इनके 2000 क्वेश्चन करके गया था तो वहां से कुछ नहीं आया था. एक बात तो मानते हो ना,
अगर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आज आपके सीनियर से कभी पूछ के देखना, इन जब लास्ट ईयर आप करके गए थे, ये दोबारा फिर से कर रहे हो, या पिछले साल किया था, कुछ आया था कि यहाँ से नहीं आया था? दे विल से यार दो तीन क्वेश्चन मैक्सिमम आए होंगे, एक दो तीन क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आए थे। यार मैं इस बात को बड़ा क्लियरली कहने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, खुले में बता रहा हूँ, 10,000 क्वेश्चन अलग अलग जगह से सो कॉल्ड वेरी हाई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स के नहीं आ रहे हैं। मतलब आपको बहुत ही बड़ा निकम्मा होने की जरूरत है कि यार 10,000 क्वेश्चन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स डाल रहे हैं और उसमें से चार क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, पांच क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। दैट्स वेरी ट्रू एंड इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्टी फॉर द स्टूडेंट, वेरी हाई डिफिकल्टी फॉर द स्टूडेंट। यार 10,000 क्वेश्चन, इसके 20 टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, इसके 30 टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, इसके 35 कर लिए, इसके 40 कर लिए, और क्वेश्चन क्या था यार, वहां से कुछ भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात क्या है कि पता होना चाहिए कि एग्जाम कौन बना रहा है, कि क्वेश्चन पेपर कौन बना रहा है। अरे वैसे लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिसका खुद कभी प्री नहीं हुआ यार, और आपको लगता है कि उसके टेस्ट सीरीज में स्कोर करके अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा यूपीएससी का एग्जाम, अगर उनके टेस्ट में कम स्कोर हो गया मेरा तो कैरियर खराब हो गया। वो टीचर्स क्वेश्चन नहीं बनाते, आपको भी इस बात का पता है बड़े अच्छे तरीके से, हम तो चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमें तो पता ही है। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता, उनका प्री कभी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी वो ये मेंस वालों के लिए, प्री वालों के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। खुद जिसका प्री नहीं हुआ वो आपको क्या बताएगा यार कि कैसे प्री क्लियर होता है, वो तो बीन देयर डन दैट, वो पता ही नहीं उनको। हाँ बिल्कुल दीपक सही है। तो ये बहुत ही बड़ा एक बेवकूफ, एक डफर टाइप का इंसान होना चाहिए कि तुमने 5,000 क्वेश्चन डाल दिए उसमें से पांच क्वेश्चन भी नहीं आए, तुमने 3,500 क्वेश्चन बना पेपर बना दिया, 3,500 क्वेश्चन बना दिए, यार बड़े वाला निकम्मा होना चाहिए तो होता ही है। हाँ बिल्कुल आदित्य बिल्कुल सही है, उन टेस्ट सीरीज में 90 मार्क्स आना डज नॉट रिफ्लेक्ट कि आपका प्री में 90 मार्क्स आएंगे, प्री के आपके 120 भी हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज 120 प्लस है ना, प्री में 70 भी रह सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है खुद और अपने दोस्तों को इस गन चक्कर में से निकालने की कोशिश करो कि यार आपको सत श्री अकाल बोली हमने, हम बाहर जा रहे हैं, कि मुलुका सर आपके 15-20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देंगे, आपके पास आने की हमें जरूरत नहीं है। अरे ये कौन सा भाई जबरजंग है जिसके 190 आगे 200 में से। हाँ जी नहीं आते टेस्ट सीरीज से, बिल्कुल ताने आपने सही बोला, क्यों? बिकॉज ऐसे लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं जिसका खुद कभी प्री क्लियर नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, और हर बार क्या होता है कि तीन चार एक वो हम चक्कर में फंसे हुए हैं, यार पिछले बार उनका करंट अफेयर पढ़ा था नहीं आया था, यार मेरे सीनियर ने भी बोला था उनका करंट अफेयर पढ़ा था नहीं आया था, फिर वही पढ़ रही हो यार। ट्राई टू हैव अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, उस ट्रेंड जो चल रहा है वो फेल हो रहा है और आप उसी चक्कर में दोबारा फंस रहे हो यार, जितना जल्दी उससे निकल सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला था उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 5 से 6 घंटे लगते हैं, सही बोला, बिल्कुल सही बोला, और हम 2 घंटे में 10 क्वेश्चन पेपर 9 क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्व कर देते हैं यार। क्वेश्चन ही उतने काम के हैं, वो भी शायद वहां से कुछ निकल के आ जाए वो क्वेश्चन, चलो ठीक है, बाकी 80-85 क्वेश्चन द टोटली यूजलेस क्वेश्चन, वेस्टिंग योर टाइम एंड डाइवर्टिंग योर अटेंशन, पढ़ना यह है आपको कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, इतना उससे बचा जा सकता है, बचने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल डिप्रेशन, तो देसी भाषा में फर्स्ट ही आ गए हैं आजकल तो, पेपर सॉल्व करते करते हमारे नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। अरे अब गलत सॉल्व ही गलत कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द थिंग्स कि कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे हमें इनका भी पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट नंबर 11 जो करवा रहे हैं। I'm good, that's good. चलो अब थोड़ा 100% यहां पे ध्यान देते हैं। With reference to code on wages 2019, consider the following statement and
देखना है कि कौन कौन सा इसमें से क्वेश्चन करने स्टेटमेंट सही है. द फर्स्ट इट इंश्योर्स स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज वर्कर. यस इट इज बेसिकली बींग देयर इन द कंटेक्स्ट दैट इट विल. पहली बात, जब कोड ऑन वेजेस पीपीएससी पे नहीं, पीपीएससी का दोबारा नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम देखेंगे. इन शॉर्ट स्टेट्यूटरी प्रोविजंस फॉर मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, बिल्कुल दोनों की बात हो रही है. सेकेंडली इट मैंडेट्स द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ मिनिमम फ्लोर वेज फॉर वर्कर्स इन द स्टेट. द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट दैट वुड बी फिक्सिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द फ्लोर वेजेस टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द लिविंग स्टैंडर्ड्स. Third, it provides that minimum wages be fixed based upon the skills of the worker and difficulty of the work. Third point is see. इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं. जब कोड ऑन वेजेस 2019 वाला जब इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, बेसिकली वेजेस के लिए और बोनस पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए किसी भी इंप्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो ऑलरेडी चार लॉज चल रहे हैं अलग अलग फील्ड में, दे वुड बी रिप्लेस्ड. कौन सी है चार लॉ? फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑन द वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑन द बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976, इस चारों को रिप्लेस करके ये एक्ट लाया गया. गुड वे. तो पहला एंड तीसरा सही है. सी बिकम द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन 5. पुलिस इनिशिएटिव और कौन कौन सी स्टेट या कहां पे है? फ्रेंड्स ऑफ द पुलिस, साइबर ड्रोम एंड डोम एंड साग. फ्रेंड्स ऑफ द पुलिस दिल्ली, दिल्ली में नहीं है. हाँ जी, गुड इवनिंग. इट इज देयर इन तमिलनाडु. साइबर ड्रोम इज इन केरला, इट इज करेक्ट. सांझ यस पंजाब में है. सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, देयर फोर बी बिकम द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 23. Consider the following pair of Supreme Court and their judgment. और देखना कि कौन कौन सा pair correctly matched है. पहला, Lely Thomas case, immediate disqualification of the convicted MPs and MLAs. पहला सही है. इसको decision क्या लिया गया था कि अगर कोई convicted MP और MLA है उसको immediately disqualify कर देना चाहिए. Second statement, People's Union for Civil Liberties PUCL case. Yes, it is regarding the introduction of the nota. कि none of the above option को आप include किया जाए. Third, Lok Prahari. In the context of 2018, disclosure of information relating to source of income of the candidate. कि कौन से candidate का कितना source of income है वो पूरे का पूरा आपको बताना पड़ेगा. All the three statements are correct in this regard for question number 23. Therefore, D becomes the answer. Next question is 40. ये सारे टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही रहता है. मतलब ठीक है, जो काम के वो क्वेश्चन वो करवा देते हैं वो ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2013. इसके सेलेंट फीचर क्या है फॉर क्वेश्चन नंबर 40. द फर्स्ट, द क्रिएशन ऑफ अ सॉवरन पेटेंट फंड बाय इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज देयर, the first statement is wrong because the creation of the sovereign patent fund to promote development ke liye hai and acquisition of the intellectual property in ESDM sector in that regard. It is basically a state led investment fund hai that will acquire intellectual property of asset that is important basically for national economic objective. Pehla galat ho gaya. The second statement that is there is promote the use of cyber chips to reduce security रिस्क. यस, साइबर रिस्क चिप्स को, यस सिक्योर चिप्स को करना है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को चेक करने के लिए. द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज देयर इज क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यस, एक इकोसिस्टम करना है सो दैट एवरीथिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैन बी इलेक्ट्रॉनिक
सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकट्ठा किया जा सके. द सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयरफॉर बी बिकम द आंसर. The next question that is important is 48. Consider the following statement with respect to nota, and which of the following are correct in this? Nota, none of the above option, was used for the first time in the general elections of 2014. Ye galat hai. It was used for the first time in 2009. Chhattisgarh region mein isko use kiya gaya tha. Aisa nahi tha ki it was used over there. It basically used in the local government elections in Chhattisgarh in 2009. Second, it is not used in the election to Rajya Sabha and the State Legislative Council. Yes, State Legislative Council aur Rajya Sabha ke election ke time pe isko nahi use kiya jata. Third, it does not impact the result of the election process. Yes, it does not impact the result of election process. 2 and 3 are correct. Therefore, B become the answer. Nahi, An Academy I have already left. Chhod chuke hain. The next question that is there is 53. अरे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको फ्री में. अगर और पढ़ना है तो मुलुक का आईएएस पे आ जाओ. द टर्म ओसाका ट्रैक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ. अरे नो नीड टू मिस ओवर देयर कमेंट मुलुक का आईएएस, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे आपको. ओसाका ट्रैक, ओसाका ट्रैक बेसिकली एक जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने डिक्लेयर किया था लॉन्च ऑफ दिस G20 मीट. बेसिकली फ्रेमवर्क था सो दैट वी आर नीडिंग टू प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो. क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो उसको प्रमोट करना है, पर प्रमोट करने के साथ साथ इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन भी होगा. नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं. द फोर्थ, शिंजो अबे ने किया है क्रॉस बॉर्डर डाटा प्रोटेक्शन करना है, बट कंपेरेटिवली आपके ही ठीक है, मैं सुन रहा हूँ. प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो फॉर इनहेंस प्रोटेक्शन दैट रिगार्ड. नेक्स्ट इज 54 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है. ओके ओके. In the context of FSSAI, consider the following statement. The first option that is there, FSSAI has taken an initiative to encourage the use of cooking oil for making the food products. It was basically has taken initiative. It is the first statement is comparatively wrong in this regard. जब FSSAI की बात कर रहे हैं, it basically established under the Act of 2006 to consolidate the various acts and orders which were there, and therefore let हैंडल करता था फूड रिलेटेड इश्यूज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. इट विल कंपेरेटिवली ले डाउन अ साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड ऑल्सो रेगुलेट उनका मैन्युफैक्चर, उनका स्टोरेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सेल, उनका इम्पोर्ट पूरे का पूरा रेगुलेट करेगा. हाँ बिल्कुल. Second thing, Plus F logo has been recently notified to identify food that is organically produced. Organically के लिए Plus F logo का नहीं है. Plus F logo का basically fortified food के लिए है. The second is also wrong. It is under the Ministry of Health and Family Welfare. Yes, Health and Family Welfare के अंदर only 3 that is correct. The next question that is important is question number 80. हाँ जी, गुड इवनिंग. द टर्म्स जीव अमृत, बीज अमृत, वापस आ. द
वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज इन द कंटेक्सट ऑफ बेसिकली कल भी हमने क्वेश्चन किया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। इस टाइम पे स्पीचेस भी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं काफ़ी उनके कंटेक्स में बीज अमृत जीव अमृत की बात है कि अब ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जहाँ पे बिल्कुल ही आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ताकि जो भी लोकली यूज्ड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कंपेरेटिवली यूज़ किया जाए, बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंटेक्स में। 87 जटान सॉफ्टवेयर इज ऑफन सीन इन न्यूज इज बेसिकली रिलेटेड, ये 82 में क्या है बेसिकली जो इंडियन म्यूजियम के कंटेक्स्ट में है उनका डाटा कलेक्शन मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके उसके लिए एक चलाया गया है दैट इज जटान दैट इज बीन देयर इंडियन डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट फॉर द इंडियन म्यूजियम, वेरी सिंपल। 87 नेक्स्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रा देवरा। The style of ornamentation that came into existence during the regional years of Shah Jahan. The first statement that is there in this question is comparatively wrong because it was during there at the time of end of Jahangir wale ke time ke upar. The first statement, second, this style carved floral designs made of semi-precious stones. Yes, so semi-precious stones ke saath phoolon ke wahan pe patthron mein designs banaye jaate the. इट ऑर्नामेंटेशन एक्सटेंसिवली किया गया है ताजमहल में। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट डिफरेंसेज बिटवीन चौथ एंड सरदेशमुखी और कौन कौन सा सही है। द फर्स्ट इज वाइल चौथ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द नेबरिंग टेरिटरीज सरदेशमुखी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विद इन द मराठा किंगडम। Chauth was collected from the neighboring territory that was there and of the Deccan Sultanates. ऐसा नहीं था कि सिर्फ डेक्कन सुल्तान से है, जो भी आसपास वाले वहाँ पे टेरिटरी थे कि हम वहाँ पे आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो वहाँ से लिया जाता था। सरदेशमुखी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी विद इन द मराठा किंगडम, ऐसा नहीं था कि मराठा किंगडम के विद इन टेरिटरी है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द वन हैंड देर इज अ किंग दैट इज रूलिंग द मराठा किंग दैट इज रूलिंग, ऑन द अदर हैंड देर आर डिफरेंट देशमुख दैट आर देर, अलग अलग जो देशमुख वहाँ पे रूल कर रहे हैं। इन द रिगार्ड दैट हम आपके हेड हैं, देशमुख के हेड हैं सर देशमुखी, तो वो पहला गलत हो गया। The Chauth and Sardeshmukhi amounted to 4% and 10%. Chauth means 1/4. Sardeshmukhi means the 10% or 1/10. That was different. So, पहला statement गलत, दोनों के दोनों statement गलत हो गए थे, फिर दीज द आंसर। Question 11. In the context of the cultural history of India, Ghatikas and Math that are there. Ghatikas and Math. जब आप मेडिवल हिस्ट्री जब अर्ली मेडिवल में पढ़ते हो या लेट मॉडर्न में पढ़ते हो तो गटिकाज और मठ जब वो जगह होती है जो बेसिकली एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है या कोई रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है, जैसे मठ में पढ़ाया भी जाता था, उसको बोलते थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन देयर एट द टाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 Which of the following statement regarding the Satavahanas is or not correct? कौन कौन सी statement सही नहीं है? The first, they started the practice of rewarding and paying land officers with a land grant that was there. No doubt that it was started, but they were not paying the officer. They were basically paying to the Brahminical and to the Buddhist for the very religious merits. First statement, officers को नहीं दे रहे थे। Second,
क्वाइन बीरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर्स फॉर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई सतमहानास. नहीं, ऐसा नहीं था कि रूलर्स ने अपनी इमेज लगाई हुई थी. जब इमेज और इंस्क्रिप्शन और नाम लिखे बड़े जो सिक्के जारी किए गए थे, दैट वॉज बेसिकली इन द कंसिडरेशन बाई द ग्रीक्स. तो ग्रीक्स ने पहले बार इमेजेस ऑफ द रूलर्स वाले क्वाइन इश्यू करे थे, नॉट सतमहानास. देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following craft techniques were introduced and popularized by the Turks? Turks ने कौन कौन सा किया था? The first iron stirrup, yes. Iron stirrups जो वो घोड़े जहाँ चलाते हैं, राइड करते हैं, तो जो पैर रखते हैं, iron stirrup तो खींचने वाला होता है. Lime and mortar की भी वहाँ उन्होंने popularize किया था, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे buildings बनती थी. जो हमारी building बनती थी वो ऐसे बनती थी. Printing press बेसिकली 15th एंड 16th सेंचुरी में मिशनरीज लेकर आए थे. इट वॉज नॉट बाई द टर्क्स, मिशनरीज गोवा में. तंबाकू और पाइन एप्पल भी टर्क्स नहीं लेकर आए थे, इट वॉज बेसिकली द पोर्चुगीज हु ब्रॉट देम. सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, द थर्ड एंड फोर्थ आर कंपैरेटिवली रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 26. विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज देयर इज The earliest expression of the principle regarding Pythagoras theorem was contained in Aryabhatta. तो पहला जो Pythagoras theorem था वो आर्यभट्ट ने नहीं दिया था. इट वॉज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट इट वॉज गिवन इन सुलभ सूत्र. दिया था 5th century BC. The 2nd century AD treatment of Kalazar was known. Yes, Kalazar चरक संहिता लिटरेचर है. जिसमें काला अजर के बारे में, लेप्रसी के बारे में, टीबी के बारे में, इन बीमारियों के बारे में बताया गया है. द कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल एंड अक्यूट एंगल वाज नोन बाय 2nd century. यस, इट वाज नोन. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, देयरफॉर ए बिकम द आंसर. नेक्स्ट इज 32. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सूफिज्म, मलफूजात, मंकुबत एंड तज़कीरात क्या है? बेसिकली जब सूफी सेंट्स होते थे, अलग अलग लोगों को लेटर्स लिखते थे, आपस में लेटर्स एक्सचेंज होती थी, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता था. जो लेटर्स लिखते थे उनको मलफूजात अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बोला जाता था. जब ऐसे कह सकते हो अलग सूफी सेंट्स लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता. आजकल वो यूज़ करी जाती है बेसिकली इन द रिगार्ड की सूफी ट्रेडिशन को हम दोबारा से या रिकंस्ट्रक्ट कर सके, सूफी ट्रेडिशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज नहीं कुछ क्वेश्चंस नहीं कुशानाज नहीं थे वहाँ पे. इंडोवीडियस कुथगाडशाला इज द बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कुथगाडशाला बेसिकली नॉर्मली एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग सेक्ट, अलग अलग रिलीजन वाले लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे और वहाँ पे अपने अपने धर्म के विचारे में चर्चा करी जाती थी. तो चर्चा करने वाले द डिस्कशन प्लेस इज बेसिकली नोन एज कुथगाडशाला. इसका ए पहला ही आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 60. In the context of the later Vedic text, the term Gogna refers to. Gogna, for example, go means kettle. In the context that, जब वैदिक टाइम के लेटर वैदिक टाइम के टाइम पे जब कोई गेस्ट आता था तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए एक कैटल को सेक्रीफाइस किया जाता था एंड द गेस्ट वाज फेड अप फेड विद दैट. उसको बोलते गोगना. कैटल का सेक्रीफाइस देने के बाद उस गेस्ट को खुश करने के लिए जो उसको खाना पिलाना तैयार किया जाता था. हिस्ट्री पे आपके कोड रैश कोड्स वाली बुक इज सफिशेंट.
हाँ बहुत है यार, जितना उतने में हो जाएगा। हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री वाला तो सफिशियंट है दोगुना। द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। Which of the following statement is correct regarding Guru Nanak? First, he established a new religion that was distinct from Hinduism and Islam. नहीं, गुरु नानक देव जी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि मैं नया धर्म establish कर रहा हूँ। Another thing, वैसे बारे में कुछ नहीं बोला। And he was basically working to take the people in that regard. He did not wish to establish a new religion. और जब खालसा पंथ की भी बात करते हैं, that was basically established by Guru Gobind Singh Ji. The 10th Guru of the Sikhs. Second, he created Gurumukhi script to better communicate with his disciples. Gurumukhi script इन्होंने दी। Gurumukhi script Guru Angad Dev Ji ने दिया था। क्या हुआ अपना? Third, he established the first Sikh commune at Kartarpur. Yes, Kartarpur में Sikh commune. He started the concept of community kitchen, langar, that is uphold the principle of equality, ताकि हर कोई एक ही वहाँ पे बैठ के खाना खा सके, everyone can be treated as equal. Third and fourth are correct. The next that is important is question number 75. Which of the following is correct regarding Tawheed-e-Ilahi, a new faith that was promulgated by Akbar at that point? पंजाबी च समझ आता दिना पर नोट्स भी दे दें इंस्टीट्यूट के विच। यस, पंजाबी च भी करवाने। बेसिकली तौहीद इलाही ऐसा था कि एक नया फेथ है, उन लोगों को ही अलाउ किया जाता था जो ओनली द अप्रूव्ड, दोज पीपल वर बेसिकली अप्रूव्ड बाय अकबर वर अलाउड टू ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ तौहीद इलाही। It was a new faith that was promulgated by Akbar. वो आपको शस्त्र एक क्वाइन देते थे, एक टीका टाइप सा लगाते थे, आपको वेलकम करते थे और पूरे का पूरा अप्रूवल था वो अकबर ही देते थे। एक नया रिलीजन या नया फेथ, रिलीजन तो नहीं कह सकते बिकॉज इसको कोई प्रीस्ट नहीं था, कोई प्रॉपर लिटरेचर नहीं था, एक नया फेथ है प्रोमुलगेटेड बाई अकबर। द नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई मोहम्मद बिन तगलक बेसिकली टू प्रमोट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए? अबॉलिशन एंड रिडक्शन ऑफ द एग्रीरियन सेसेस, नहीं अबॉलिशन नहीं। मोहम्मद बिन तगलक ने पहले जो टैक्स चल रहे थे उसको काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल जिस अलाउद्दीन खिलजी के तक। Introduce the practice of giving agriculture loans, सोंदर, yes, सोंदर को promote करने के लिए। आपको normal term भी पूछा जा सकता है exam में कि सोंदर क्या होता है। Third, creation of a new department of agriculture to extend the area under cultivation, yes, department of Diwan e Amir एक वही ये इसने बनाया था, that was created by him at that point of time, ताकि वो agriculture को और extend किया जा सके। In that regard, second and third are correct, B become the answer. Next is test paper number 13. Question number 9. वैसे एक बात तो है, बहुत लोगों ने आप कैसे नए बड़ी शिद्दत से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे, तीन तीन चार चार घंटे लगा के, और बड़ा डिसअपॉइंट भी हुए होंगे, यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता। और अब थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है कि काम के क्वेश्चन तो पेपर में 10 12 15 ही हैं, बाकी तो ऐसे टाइम वेस्ट किया। उसी टाइम को अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से रिविजन में या किसी गाइडेंस में करते तो कंपेरेटिवली आज आपकी हालत पेपर के कंटेक्सट में बहुत बढ़िया होनी थी। चलो, सी आर दास, चित्रंजन दास फेमसली नोन एज देश बंधु। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से देश बंधु किसको बोलते थे? वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस टाइम पे कहा था?
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यस ठीक है, ही वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिर्फ पहले दो ही ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 22, हाँ लगता है यार यूजलेस क्वेश्चंस को आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है. गालो वंचो एंड अदि दे आर बेसिकली इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट. वो सेम ही है, दोनों लोन्स ही होते हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट. ये क्या है बेसिकली, ये एक ट्राइबल कम्युनिटीज है अरुणाचल प्रदेश रीजन में, गालो वंचो अदि. ऑलरेडी करंट अफेयर वाली क्लास में भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following was were the constituents of the Queen Proclamation? Queen Proclamation में क्या था? हाँ बिल्कुल क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है मेरा एक्सपीरियंस है. और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, खुद कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है इसी वजह से तो है कि चलो इतना कर लो इतने में काम हो जाएगा, इससे भला क्राइटेरिया क्या चाहिए. और एक्सपीरियंस आता है पूरा सब कुछ, आपको पेपर्स के क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, कोर एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग. दैट इज इट. फर्स्ट, नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटोरियल पोजेशन, या इसके बाद हम कोई भी टेरिटोरियल पोजेशंस नहीं करेंगे. फर्स्ट इज करेक्ट. ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन द नेटिव स्टेट प्रिंस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वुड सीज टू एग्जिस्ट. इन्होंने नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि सीज टू एग्जिस्ट, इन्होंने बोला था कि ईस्ट कंपनी को छोड़ के अब फॉर एग्जाम्पल क्राउन के साथ वो पूरे पूरे एग्रीमेंट शिफ्ट हो जाएंगे. थर्ड, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर द रिलीजियस अफेयर. बिल्कुल सही, अब बिकॉज उनको लगा था कि हम इनके धर्म के साथ पंगा कर रहे थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, देयरफॉर सी बिकम द आंसर. क्वेश्चन नंबर 65, विद रेफरेंस टू वार्ता स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर देयर. द फर्स्ट, इट वॉज इंस्पायर्ड बाई द गांधियन आइडियाज एंड इज वीकली हरिजन. यस, इट वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई गांधियन आइडियाज और जो उन्होंने एक्सप्रेस किए थे न्यूज पेपर बाई द नेम हरिजन में. थर्ड, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड द एजुकेशन वॉज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी. यस, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे. वारदा स्कूल के कंटेक्स्ट में 1937 में जो स्कीम आई थी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, दैट वॉज फोकस्ड अपॉन. इट रिसीव्ड मैसिव सपोर्ट फ्रॉम द मासेस एंड वॉज कंटिन्यू टिल इंडिपेंडेंस. द थर्ड इज रॉन्ग. इट बेसिकली द स्कीम दैट वॉज देयर, नॉट मच डेवलपमेंट कुड बी टेकिंग प्लेस बिकॉज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में डिजाइन कर दिया था ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द वॉर पॉलिसी दैट इंडिया वॉज मेड अ मेंबर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट इट इवन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इंडियन व्यूज, जिसकी वजह से इसके आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकी. द फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, ये बिकम द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इज 67. With reference to the Marcia poetry, consider the following statement. With the compilation of the teaching of Mandan Chisti in the form of the Book of Hymns, ये चिश्ती साहब का नहीं है, it is basically Imam Hussain. Imam Hussain इनके बारे में है. Second, it is patronized by the Nawab. Yes, Lucknow के Nawab से 19th century में इनको patronized भी किया था. Only second statement is correct. 69. The famous Curzon-Kitchener controversy is related to. Basically, a controversy hui thi Curzon aur uske commander in chief ke context mein. That it was basically associated ki jo dual control of the military affairs hai,
वॉर ऑफिस के कंटेक्स्ट में और गवर्नर जनरल के कंटेक्स्ट में ये ड्यूल कंट्रोल को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके चलते ही कर्जन ने वहाँ पे केस भी हुआ और बाद में रिज़ाइन फॉर दिस। एंडिंग होना चाहिए ड्यूल कंट्रोल और मिलिट्री अफेयर्स, इसके कंटेक्स्ट में कर्जन और किचनर की कंट्रोवर्सी एसोसिएशन का। हंड्रेड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑलरेडी लॉन्च्ड निर्विक स्कीम, इसके कंटेक्स्ट में द फर्स्ट इट एम्स टू ईज ऑफ द लेंडिंग प्रोसेस एंड एनहांस द लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर। यस, लोन एक्सपोर्टर्स को हम थोड़ा सा लेंडिंग ईजिली कर देंगे, लोन को ईजिली अवेलेबल करवा देंगे ताकि वो एक्सपोर्ट ईजिली कर सके। सेकेंड इज द स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द सेकेंड इज रॉन्ग। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको प्रमोट किया है। तो देयरफॉर ए बिकम द आंसर, वन इज टेस्ट पेपर नंबर 14। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस द ग्रीन क्रैकर्स वर डेवलप्ड बाय CSIR नीरी। इन द कंटेक्स्ट, इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The first that is there is, unlike the traditional crackers, green crackers contain salt of barium and strontium. The first statement, यही green crackers के बारे में capacity है, capability है, that they do not contain any of the banned chemicals that are there. जो भी chemicals banned है उसको नहीं contain करते। For example, lithium हो गया, arsenic हो गया, barium हो गया, strontium हो गया, lead हो गया, they are basically not being used in that regard. First, second statement that is there is, the green crackers do not possess less, not only they possess a less amount of smoke but also produce less. Yes, inka smoke bhi comparatively kam hoti aur sound bhi kam produce karte. Third, these cracker release water vapors upon bursting to help settle the dust particles. Aise hota ki water vapors release hota hai aur jo dust particles ko settle karne mein bhi ye kamyab hoti. Basically, salts of barium impart color to the traditional crackers. Green crackers will not be not produced colorful sparks like the traditional crackers that are there. They are also called as swas, star, suffal, alag crackers, alag alag naam se unko bola jata hai. So therefore, D becomes the answer for this question. Next is in the context of 30. In the context of modern Indian history, triple formula recommended by Rahmatullah was later to what of the following? Triple for जैसे for example क्या हुआ था कि World War One के बाद अभिषेक सीधी सी बात है, जो ये वाला चीज है जो ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर तो इतना सफिशियंट है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। मतलब कि जो इनके क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो छोड़ के दूसरी आ जाएंगे, पहले बात तो आएगा ही नहीं आया, थोड़ा बहुत अगर कुछ रिलेटेड आ भी गया तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन पेपर में से सफिशेंटली हुआ है। ट्रिपल फार्मूला बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें भी लगने लग गया था, ब्रिटिशर्स को भी लगने लग गया था, दैट वी नीड टू डेवलप द इंडस्ट्रीज विद इन द कंट्री ऑल्सो। क्योंकि अगर कल को दोबारा वॉर लगती है तो हमें कुछ ना कुछ तो यहीं पर भी मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में डेवलप हो। इसके कंटेक्स्ट में रहीमतुल्ला खान ने एक ट्रिपल फार्मूला बनाया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को हमें डेवलप करना है। पहला, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ नेचुरल एडवांटेज पोजेस करती है, फॉर एग्जांपल जिनको रॉ मटेरियल ईजिली मिलता हो, चीप लेबर हो, और फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई हो, रेडी हो, मार्केट, उनको इंसेंटिव दो। सेकेंड थिंग, ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करो दे विच कैन नॉट डेवलप विदाउट प्रोटेक्शन, कि उनको प्रोटेक्शन देनी ही पड़ेगी।
द थर्ड पॉइंट दैट वॉज देयर, प्रोटेक्शन तो देनी है लेकिन इवेंचुअली दे वुड बी फेसिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, आज नहीं तो कल वो कॉम्पिटिशन टोटली फेस ऑफ कर देंगे. Therefore, protection of Indian industries afterwards. He becomes the answer. Next question, that is 54. With the purpose of what is the purpose of Gemini device that were launched by the government of India? First, the aim at effective dissemination of warning and information related to disaster for fishermen. Pehla statement is here. Gemini device was basically a device ki kaha tha ki jo fishermen hai unko jo bhi hum information de, related information that could be used by these people, uske context mein hai Gemini. That is Gagan enabled mariners instruments for navigation and information that would be provided taki unko koi bhi disaster se bachaya ja sake. Next is 59. The objective of a Suman scheme recently in news in the context of financial and technical system to start up nahi, provide a quality healthcare at zero cost to pregnant women, new mothers and newborns. Yes. Suman is basically in the regard that प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, उनको एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी और जीरो कॉस्ट पे, इसके लिए है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इज 73. Consider the following statement with reference to the special protection group. First statement that is there is, it was basically raised to provide security to the members of parliament and their immediate family members. The first statement that is there is wrong in the context that it was there to in 1985 to provide approximate security cover to prime minister, to foreign former prime minister, the immediate family members. तीनों को था, अभी भी जो है जो पहले थे उनके. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं था कि जो अभी हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स भी प्रोवाइड करी जाएगी. सेकेंड, द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप्स आर बैक्ड बाई स्टैट्यूट. यस, दे आर लॉ दैट हैज बीन मेड ऑफ 1985 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जो इसको गाइड करता है. द ग्रुप कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, होम अफेयर के नहीं, इट बेसिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट दैट इज टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दीज थिंग्स एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. डी बिकम द आंसर इन विच ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन 80. एक्सरसाइज है और किस किस के साथ है. इक्विवेलेंट इज यस, इट इज विद मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स. ईस्टर्न ब्रिज, नहीं ईस्टर्न ब्रिज बांग्लादेश के साथ नहीं है, ईस्टर्न ब्रिज इज बेसिकली विद ओमान. सेनु मैत्री बेसिकली विद जापान. इनमैक्स नहीं, इनमैक्स मलेशिया नहीं, इनमैक्स है इंडिया म्यांमार में. देयरफॉर फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट. ए बिकम द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 100. Consider the following statement with reference to the India Innovation Index. First, it is brought by every year by the Ministry of Human Resource Development, HRD. Basically, it is the Niti, the first statement is wrong. Niti Aayog with Institute of Competitiveness as the knowledge partner has helped in releasing of the India Innovation Index. Second, as per the index, Kerala is the most innovative state that has been there. Kerala it innovative, it is Karnataka that is the most innovative state. Third, it highlights that the innovation ecosystem in south and western part is of India are stronger than the northern part. Yes, south or west may comparatively stronger as compared to the north. Third is correct, therefore D becomes the answer. इसको करने के लिए तो हार्डली 5 मिनट ही लगे. आप खुद ही देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन ऐसे ही है.
कहते हैं ना, चूज योर मेंटर वेरी केयरफुली, चूज योर कैरियर वेरी केयरफुली एंड चूज योर मेंटर ऑल्सो वेरी केयरफुली। चलो कभी कभी तो वन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ तो लगता है यार ये क्वेश्चन बनाए क्यों है। मीन्स अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन बना रहे हो, ज्योग्राफी बना रहे हो, मेक अ क्वेश्चन दैट इज कंपेरेटिवली क्वालिटी क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं तो कुछ यूपीएससी का बेस ही बना के क्वेश्चन पेपर पर तैयार कर लो यार, ठीक है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए थे वैसा ही कोई क्वेश्चन एक बढ़िया सा हो। पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और फिर उसी हिसाब से उसको प्रेजेंट भी किया जाता है। चलो कोई बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टर्म क्लीन मीट दैट वाज समटाइम्स इन यूज। क्लीन मीट, इसको न्यूज़पेपर में दो तीन बार इसी चीज का आया था। इट इज ऑल्सो नोन एज कल्टीवेटेड वीट। इट इज बेसिकली इज ग्रोन इन अ लैब फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल ऑफ अ सेल दैट इज टेकन फ्रॉम एन एनिमल। कि सैंपल ले लेते हैं एनिमल से, वहाँ से बनाए थे। इंस्टेड ऑफ ब्रीडिंग एंड स्लॉटरिंग द एनिमल्स, तो वहाँ से लिया जाता है। दैट इज कल्टिवेटेड बेसिकली इन अ लैब, उसमें लैब में ग्रो किया जाता है। देयरफॉर इन दैट रिगार्ड इट इज बी दैट बिकम द आंसर। दिस इज टेस्ट नंबर 15। द सेल में स्पीड लिया जाता है, सैंपल को ग्रो किया जाता है और स्लॉटर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड। मैप अनप्रडिक्टेबल के नहीं, अनप्रडिक्टेबल का होता है, मैपिंग करवा दिया। क्लास में भी हम जब करवाते हैं तो हर साइंस करवाते हैं, अनप्रडिक्टेबल नहीं है यार। अगर अच्छे से करोगे तो प्रडिक्टेबल है, तो पूरा ही करके जाओ ना। प्रोग्रेस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया बेसिकली। तो ऑप्शन आर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, PMO, Static and Program Implementation. It is basically the Ministry of Static and Program Implementation, जिसने Sustainable Development Goal Dashboard किया है कि हम कितना अचीव कर रहे हैं basically in the context of Sustainable Development. The next is question 18. कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट कौन है, इंडिया और नेपाल के कंटेक्स्ट में है कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। वेरी सिंपल, और बहुत बार जब न्यूज पेपर आप पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे मैप के साथ ही आता है एक कालापानी और टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नेपाल बेसिकली क्लेम्स कालापानी टू बी पार्ट ऑफ इट्स दर्चुला डिस्ट्रिक्ट। द रीजन इज एडमिनिस्ट्रेट बाई इंडिया, और इंडिया वाले बोलते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है। उत्तराखंड इन इंडिया एंड, और उधर से सुदूर पश्चिम प्रदेश इन नेपाल, तो वो अलग अलग वहां पे करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट इज 20। पार्टनिंग पावर है और इसका मतलब क्या है। पहला कम्यूटेशन, द कम्यूटेशन की बात होती है। इट इज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है एक से दूसरा, एक पनिशमेंट को छोड़ के दूसरा पनिशमेंट होता है, रिड्यूस नहीं होता, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है विदाउट रिप्राइव। रिप्राइव सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म पनिशमेंट नहीं, रिप्राइव इज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट यू वुड बी पुटिंग अ स्टे। सब्स्टिट्यूशन होता है कम्यूटेशन, इसका तो अब स्टे डाल दोगे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। द पर्पस इज बेसिकली टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव अ टाइम टू सीक पार्डन, पार्डन या कम्यूटेशन। एक बार स्टे लगा दिया गया, पार्डन कम्प्लीटली अब्सॉल्व्स द कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल, यस कन्विक्ट ऑफ जो भी आपने गलती करी हुई है वो पूरे का पूरा डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बी बिकम द आंसर। क्वेश्चन 42। The recently inducted Varunastra in the Indian Navy is an, Varunastra क्या है basically, एक anti-submarine torpedo है, काफ़ी बार न्यूज में है Varunastra।
ऐसी ये शायद आपको इसके बारे में पूछा जाए, दिस कैन बी देयर, इट इज इंडियन एडवांस्ड हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय इंडियन नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ DRDO. इट इज कैपेबल ऑफ टारगेटिंग द क्वाइट एंड स्टेल्थी सबमरीन्स बोथ इन डीप वाटर और लिटरल वेव्स भी, इवन इन एन इंटेंस काउंटर मेजर एटमोसफियर वहाँ पर भी वो टारगेट कर सकता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. Consider the following differences between adjournment and prorogation regarding the session. Adjournment terminates the session, or prorogation terminates both the sitting and the session. Pehla sahi hai. Jaise adjournment ek bhi session sitting ko terminate kar dega. Adjournment sendai matlab pure ka pura bhi khatam kar diya. Prorogation session aur sitting dono ko terminate kar dega. The first, second, the power of the power of adjournment lies with the presiding officer or prorogation lies with the president of the second statement. अगर आपने adjourn करना है तो presiding officer करे, वो session को terminate करना है. Prorogation आपने पूरे का पूरा ही end करना है तो वो president करेंगे. Therefore, C becomes the answer. Question 73. Consider the following statement or कौन-कौन सी statement चाहिए. India based neutrino observatory established at Tamil Nadu aims to measure cosmic ray produced neutrinos. Yes, बिल्कुल सही है. It is basically established at Pottipuram in Theni district of Tamil Nadu to measure the cosmic rays produced neutrinos. Second, India was the first country in the world where कॉस्मिक रे प्रोड्यूस न्यूट्रिनोज वर डिटेक्टेड इन डीप माइंस ऑफ पोलर कोल्डफील्ड्स. ये तो मूवी भी आ चुकी है KGF. यहाँ पे इंडिया पहली कंट्री है जहाँ पे कॉस्मिक रे प्रोड्यूस न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया गया था. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देयरफॉर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 इट इज सी दैट इज आंसर. दैट्स ऑल. तो फ्रेंड्स आज हम ये पांच पेपर डिस्कस करें हैं. जो पांच पेपर रह गए हैं बिकॉज मॉर्निंग वन आवर क्लास ले लिया करेंगे, इवनिंग वन आवर तो थोड़ा सा आपके लिए भी हेक्टिक नहीं होगा और दो घंटे एक ही इंसान की शक्ल देखना भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. एंड इन दैट रिगार्ड ट्राई टू रिवाइज दीज क्वेश्चन पेपर्स सेट आर देयर जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको रिवाइज करने की कोशिश करिए. इट विल बी जो जितना हो चुका जाए रिवाइज कर लो, जैसे क्लास के टाइम पे भी पूरा अटेंशन से थोड़ा क्वेश्चन सुना करो और पढ़ा करो, एंड दैट विल आल्सो बी वेरी यूजफुल टू यू. तो आज वाली क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. कल से हम दो क्लास ले लिए करेंगे, मॉर्निंग एक वन आवर की और एक इवनिंग में वन आवर की. एक तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा और थोड़ा हेक्टिक भी नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मॉर्निंग का टाइमिंग अपडेट कर देंगे, जैसे अभी थोड़ा सा काम है फ्री होके आपको अपडेट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया पुष्कर. ये क्लास वो शेड्यूल होगा ना तो वहाँ से देख लेगा, देख लेना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं फ्रेशर विल स्टार्ट फॉर 2021 सर, क्या आप सिर्फ कोर्स से IAS के? हाँ सफिशिएंट है, उतना कर लेना, हो जाएगा यार. रोहित ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लेना 9910133084, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.